एक्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और उसमें रूल में यह भी है कि उसे उस बिजली को स्टेट गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा। कोई और हमने नए नए तरह के प्रयोग और सिस्टम अपनाए हैं जिससे कि प्राइवेट सेक्टर पूरे म्युनिसिपल वेस्ट, ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट के प्रोसेसिंग में हमारे साथ मिलकर काम करें। लेकिन एक बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, अगर हम क्रिमिनल तरीके से ह्यूमैनिटी को टच करेंगे तो कोई भी देश की सरकार इस बात को बता सकती है। इंडस्ट्री हमारे लिए सबसे पोगे, उसके बिना जीडीपी नहीं है। इनफैक्ट अगर जैसे मैं यूरिनेशन की बात कह रहा था, उसकी बात कह रहा था, जो कूड़े के ढेर हटेंगे, जो कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी होती है वो इंडस्ट्री को, उसकी जमीन की प्राइस, उसके टूरिस्ट और तरह तरह के नए उपयोग आते हैं। वो मैं अभी पंचमढ़ी की बात कर रहा था, उन्होंने पीएम मेयर में, मेयर ने बताया कि केवल जब से उन्होंने ये स्वच्छता अभियान चलाया, जमीन के रेट उनके करीब 20 से 25% बढ़े, वो 20 से 25 गुना बढ़े उनके, बढ़े केवल उस स्वच्छता को। हाँ, वहां पंचमढ़ी की बात जब कर रहा था तो मैंने वहां गया था, तो जो जिस जगह को कूड़े का ढेर था, दो जगह की बात बताऊंगा, बाकी तो मुझे इस तरह के प्रयोग सब जगह हो चुके हैं, तो कूड़े का ढेर था, वो डंप था बहुत बड़ा, उसका नाम उन्होंने रखा है स्वच्छ भारत पॉइंट। उस जगह में गया, देखा कूड़ा प्रोसेस हो रहा था, साथ में बहुत सुंदर हरियाली थी, वहां पे खेती हो रही थी, फूल पौधे लगे हुए थे, और सबसे बड़ी बात नाश्ता मुझे वहीं कराया। वो इतना बड़ा पॉइंट है कि वहां पे जाना वाला हर आदमी उस स्वच्छ भारत पॉइंट पे जाता है, मतलब कूड़े का ढेर टूरिस्ट पॉइंट हो सकता है। ये आप कर सकते हैं, वहां पे हमने किया। दूसरी जगह है इंदौर। इस सर्वेक्षण मैंने अभी स्टार रेटिंग की बात की थी, उन्होंने 7 स्टार लेने के लिए एक हमारा उसमें कंडीशन है कि यानी आपके यहाँ कोई ढेर कूड़े का कोई भी लेगेसी कंपनी होना चाहिए, जिससे दोनों का कंडीशन। एंड देन व्हाट दे डिड, जो पिछले 70-80 साल से जो कूड़े का ढेर था, लेगेसी ग्राउंड था, समाज सबको बायो रेमेडिएशन के पिछले 6 महीनों में उन्होंने मेहनत करके एक एक उसको जो कंपोस्टेबल कंपोस्ट कर दिया, जो बेचना था बेच दिया, और जो मिट्टी बची उसको यूटिलाइज कर लिया, एंड दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू ए गोल्फ कोर्स। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अंबिकापुर ये वो जगह है जहां लोग सांप बन करके निकलते थे, और आज देखिए कितने परिवार यहां पिकनिक मना रहे हैं। अभी नवा शहर में भी उस इस तरह की, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हम कितनी कीमती जमीन, न केवल हमें कीमती से नहीं है, हम कितनी सुंदरता ला सकते हैं, कितना हम टूरिस्ट ला सकते हैं, और जब टूरिस्ट आता है या और लोग आते हैं और हम उसका वातावरण अपना चेंज करते हैं, तो कितनी इंडस्ट्री फलफूल होती है, वो भी केवल स्वच्छता से। आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक एसोचैम for enabling such a platform which is allowing us to debate, rethink on this very pertinent issue once again, especially when we are undergoing a digital revolution and moving towards urban initiating of the rules for e-waste, plastic waste in the year 2011, and further reinstating the same and consolidating it in the year 2016. Is an example from the side of the industry and the government of the acknowledgement and acceptance of the issue that exists. Since then, till date, there has been a lot of efforts made towards creating the awareness of this issue, and each of us as different stakeholders, especially the government and the industry, has been doing a lot of concentrated efforts towards that, that more and more awareness can be created into this respect. However, today, till today, as already stated, the prevalence of the informal and unorganized sector
still till date, maybe till the tune of 80%, is again the awakener of the fact that lot more needs to be done. This issue especially, now when I come to, we accepted this fact, there was awareness generated, and in terms of adoption, I believe this issue is more of a mindset change, a behavioral change. Behavioral change not only in terms of the safe disposal of the waste, but also the generation of the waste. That's where it comes. And at this juncture, it is very important to understand that the easiest thing that we can do is the safe disposal to initiate. And we, in any capacity that we may be sitting here, we may be producers, we may be manufacturers, we may be recyclers, we may be policy makers, we may be decision makers. But each one of us is also a consumer.